कोई खड़ा सर, आप एक सोलो कर कर लेंगे अभी बात कर लें, फिर चलो ठीक है ठीक है प्लीज सर प्लीज। नहीं छोटा प्रोजेक्ट नहीं, हमने छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं बोला, हमने कहा ऐसी टीम के लिए जब मीडिया का सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने भी ये समय देखा है। और ये खैर लंबी कहानी है, लेकिन जो हमारी आदतों में शुमार रहता है कि जब कोई, क्योंकि पुराने तो सब अपना रास्ता जीना जानते हैं, लेकिन जब नई जनरेशन अपना कोई रास्ता तलाश रही होती है और उसमें जब सीनियर्स का, अब सीनियर ही समझ सकते हैं कि एक फिल्म के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन सीनियर्स का साथ मिल जाए, मीडिया का साथ मिल जाए, तो ऐसे प्रोजेक्ट भी जो अच्छे कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट होते हैं उनको बहुत अच्छी जो है जगह मिल जाती है। और कुटुंब एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की फिल्म है, एक परिवार की फिल्म है, जहाँ पे जिस आज 2017 है, जहाँ पे पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, जहाँ पे बच्चे से लेके और बूढ़े तक सब ये सातों समंदर अपने इतिहास से ही साथ में लेके घूमते हैं और एक साथ बस पे बैठते हैं, एक साथ घर में बैठते हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल, वही उसकी बुआ हो चुका है, वही फूफा हो चुका है, वही ये हो चुका है, वही रिश्ते हो चुके हैं, तो इन रिश्तों के बीच में जहाँ पे रिश्तों का पलायन हो चुका है और पेपा पेग और मतलब ये मोबाइल के अंदर जो गूगल है, इसने गूगल तो आया, गूगल आने से मैं बहुत खुशी हुई कि पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बना दी, लेकिन ये गूगल के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में मतलब बुआ फूफा नानी नाना मौसी सब का पलायन हो चुका है। ऐसे में कुटुंब, जैसे कि कुटुंब होता है, कुटुंब परिवार होता है, उसमें रिश्ते होते हैं, नाते हैं, एक दूसरे के इमोशन होते हैं, भाव होते हैं, और उसके साथ में गूगल भी चले, यूट्यूब भी चले, लेकिन पारिवारिक रिश्ते जो जिस तरीके से 2017 में छूट रहे हैं पीछे, ये शायद कहीं ना कहीं फिल्म उन रिश्तों को जगाती है। इन्होंने हमसे, अमित जी हैं छोटे भाई की तरह हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आर्यन है बहुत म्यूजिक में इन्होंने मेहनत की, अपने ये अपना हीरो है इस फिल्म में, तो ऐसे चार भाइयों पांच भाइयों कहानी है, एक छोटे से परिवार कहानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि अगर देखा जाए तो अपने पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी भाषा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर परिवार की कहानी है कुटुंब। कुटुंब कहीं ना कहीं आपको अंदर से, जब मैं एक चीज़ गारंटी देता हूँ, जब इन्होंने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा भैया एक होली सॉन्ग है, मैं चाहता हूँ कि आप कर दें, तो हमने कहा कि फिल्म पूछी थी तुमने हमसे बता, तो बोले वो तो नहीं पूछी, वो तो हम बनाने लगे हैं, तो हमने कहा कि जब तुमने हमसे फिल्म नहीं पूछी बनाने के लिए, तो हमसे ये उम्मीद मत करो कि हम इसमें आके आपकी बाहर से क्या मदद कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं हमें एक होली सॉन्ग है, हम चाहते हैं वो आप करें, हमने फिल्म दिखा। जब फिल्म देखी, फिल्म बहुत कम टाइम था, देखने बैठा, फिर एक अपॉइंटमेंट कैंसिल किया, फिर पूरी फिल्म देख के बहुत रोया, सच में रोया। और मतलब कि वो भाइयों भाई हो सकता है कि हर परिवार में कुछ पुरानी यादें जुड़ जाती हैं, पुरानी यादों के साथ में आदमी को अपना अपना पास्ट याद आ जाता है। मैंने इनको तुरंत बोला कि नहीं ठीक है, और वो होली सॉन्ग जो है गेस्ट अपीयरेंस के रूप में, एक फ्रेंडली पारिवारिक अपीयरेंस उसमें करके इन लोगों की मदद करने के लिए मोरली कोशिश की है। और आज आप लोगों के सामने ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुटुंब है, कुटुंब को जगह मिले, ताकि भारत के जो कुटुंब हैं उनको एक, उनको जो हम कुटुंब खो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुटुंब खोड़े और उसमें यूट्यूब और जो बोलते हैं गूगल, इन सबको भी पूरी पूरी पूरा स्थान दें, लेकिन इनके चक्कर में कुटुंब को ना छोड़े। बहुत बहुत ही पतली लाइन है कुटुंब और आपकी चाल, जो 2017 की चाल है, और कुटुंब ठहराव होता है, तो कुछ ठहराव को भी, जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी का एक शीशा होता है, एक ऐसा होता है, एक सामने होता है, ड्राइविंग सीट पे आप होते हो, तो कुटुंब आपके लिए वो ऊपर वाला शीशा है जिससे आप बैक देखते हो, और सामने जो बत्तियाँ हैं उससे आप आगे चलते हो। तो मुझे लगता है जिंदगी की गाड़ी जो आप चला रहे हैं, जिसकी स्टेयरिंग आपके परिवार की आपके हाथ में है, उसमें वो ऊपर वाला शीशा है जिससे हमेशा पीछे देखते रहते हो, तो आगे गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। नहीं हमने गाना क्या है, गाना इन लोगों ने गवा लिया, हम तो लोग कलाकार लोग हैं, जो जहाँ फिट करता है वैसे फिट हो जाते हैं। शायद मैं तो मैं मेरा आज जो कुछ भी है,
हम लोग 28 लोग हैं एक ब्लड के, जिसमें 6 भाई हैं, सबके बच्चे हैं, माता पिता हैं, ताऊ हैं, और मुंबई से लेके हम लोग पूरे दुनिया में कहीं घूमते रहें। लेकिन आज 32 साल हो गए हमें अभिनय करते हुए, 13 साल की उम्र से हमने शुरू किया था। आज तक कोई होली दीपावली ऐसी नहीं है जिसकी पूजा माता पिता के साथ ना हुई। तो इसलिए ये फिल्म मेरे लिए दो तरीके से इम्पॉर्टेंट है। एक तो इन बच्चों का अगर मेरी तरफ से कोई भी फ़ायदा होता है तो मैं हमेशा यहाँ नहीं बाहर भी जाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी चीज़ जो पारिवारिक रिश्ता, जब परिवार होता है तभी समाज बनता है, तभी देश बनता है। परिवार की नींव अगर अच्छी होगी, समाज की नींव अच्छी होगी, देश की नींव अच्छी होगी। हर आदमी देश की बात कर रहा है, हर आदमी समाज की बात कर रहा है। और अगर उससे पूछ लो तुमने अपने परिवार के लिए किया कुछ, तो उसके पास एक उत्तर नहीं होगा। अब आधे लोग पैसे मिल जाएंगे कि दीवार पड़ी हुई है, माता पिता उधर रहते हैं, इधर हम लोग रहते हैं, बच्चे भी सालों से नहीं मिल पाए हैं अपने देश में। लगभग हर तीसरे घर की ये कहानी है। तो इसलिए मैं उन लोगों से, सब बुद्धिजीवियों से, साहित्यकारों से, और जितने भी एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, जो आई लव एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट आपके जीवन में रहेंगे, जीवन में हमेशा आपकी फाइटिंग अपने आप से रहेगी। तो जितने लोग भी समाज की और देश की बात करते हैं, उन लोगों को अपने परिवार के बारे में देखना पड़ेगा, ताकि वो परिवार की वजूद को लोगों के सामने, आने वाली पेपा पिक जनरेशन के सामने रख सकें। मैं तो स्वीट 16 हूँ विद 20 इयर्स एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल ये बचपन में देखता था, मैं तो अभी बचपन में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि इन भाइयों से लगातार छोटा मैं दिखूँ। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। आप सब लोग, हम लोग उस समय के हैं कि हम 15-20 साल से दूसरे को देख रहे हैं। जब बेल बॉटम आया, फिर पतली आई, फिर ऊपर चौड़ी हो गई, फिर नीचे बिल्कुल पतली हो गई, धीरे धीरे, क्यों क्या होता है, हम अपने कामों से ही बोर हो जाते हैं। अभी देखना आप 2-4 साल में, फिर देखना 1945 का दौर आएगा, धीरे धीरे आप अपनी जड़ों और संस्कृति की तरफ जाएंगे। क्योंकि इसमें ना जो चीज़ें ये हवा में घूम रही हैं, जो हर साल चेंज हो रही, अभी आईफोन 6 आया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर X आएगा, फिर उसके बाद 9, फिर 10, पता नहीं 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन कोई, जैसे ही आप 10 पे पहुंचोगे, वैसे ही आप आईफोन 5 को कोई इज्जत दोगे? नहीं दोगे, जबकि अभी ये काम चला रहा है। तो मैं समय के अनुसार, रिश्ता हो चाहे तकनीक हो, सबकी प्रॉपर इज्जत होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर ये खड़े होकर आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आप कल कुर्सी बैठ के किसी का इंटरव्यू करें, तो इस ज़मीन से आप प्यार करें, इससे नफरत नहीं करें। क्योंकि हम लोग कज़िन हैं। हम वाणी के माध्यम से लोगों का, अंगों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं। आप कैमरा के माध्यम से, आप अपने आप सिचुएशन के माध्यम से लोगों तक पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं हम अभिव्यक्ति हैं, जिसमें चाहे कोई कलाकार, पत्रकार, कहानीकार, चित्रकार, कोई भी हो, हम लोग कहीं अलग नहीं है। अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। हम मनोरंजन के रूप में कर रहे हैं, आप मीडिया के रूप में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी काम हो अपने देश में या फिर मनोरंजन के माध्यम से, वो हिस्सा हम सबको बनना पड़ेगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, 2-4 साल में आप देखना जितनी, अब वैसे उदाहरण भी है कि पिछले 4-5 साल से जो फिल्में सुपरहिट हुई हैं, वो सब मिट्टी की फिल्में सुपरहिट हुई हैं। तो इसके मतलब मिट्टी पहुंच चुके हैं, अब मिट्टी को ओढ़ना बाकी है। अब 2-4 साल में देखना आप सब मिट्टी वाली फिल्में देखने को मिलेंगी, वही संस्कारों वाली, वही संस्कृति वाली। क्योंकि ये जो चल रहा है, ये बहुत क्षणिक होता है, ये स्थायी भाव नहीं है, ये अस्थायी भाव है, संचरणशील है, आता है जाता है, इसका मजा लो। पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ले बेटा, इधर आ जाओ, आइए आइए, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ।